आर्थिक पैकेज के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, साथ ही हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह जी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पैकेज जारी किया गया, घोषणा की गई, आज उसका वर्गीकरण किया गया, निश्चित रूप से जो सब लोगों की एक चिंतन थे कि हमारे उद्योग है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, जो बैठ गई है, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, और जिस प्रकार से उसके लिए लोन की जो व्यवस्था की गई, जिस प्रकार से उनको उसकी परिभाषा बदली गई कि उसको सूक्ष्म रूप में, साथ ही लघु उद्योग के रूप में उसके जो विस्तार की जो सीमा बढ़ाई गई है, निश्चित रूप से इसको पूरे देश के उद्योगों को लाभ मिलेगा, खास करके कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को जो बात की गई है। उसके साथ ही साथ में जो काम करने वाले यहाँ के जो श्रमिक हैं, जो 15,000 से जिनकी सैलरी कम है, उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी जो खबर है, और उसके साथ में इस देश की जनता को TDS के लिए जो 25% के जो कटौती की गई, इससे भी बड़ा लाभ जनता को मिलेगा। कुल मिलाकर के इस पैकेज के माध्यम से कि इस देश में आने वाले समय में एक अवसर सभी के लिए है कि हम इस मंदी के समय में और जो कोरोना के वैश्विक लड़ाई के समय में अपने आप को हम कैसे संभाल सकें, आत्मनिर्भरता की ओर हम कैसे बढ़ सकें, उसके लिए महत्वपूर्ण पैकेज जारी किए गए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को मिलेगा और इसके लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ।